मंडल से श्री कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट सामने आई है, जहां पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट व राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया लोकार्पण। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व के बौद्ध समाज की आस्था श्रद्धा का केंद्र है। आज बौद्ध समाज को ये एयरपोर्ट एक पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध की संपूर्ण यात्रा का साक्षी कुशीनगर संपूर्ण विश्व में जुड़ गया है। लंका से आए अतिथियों का कुशीनगर बहुत ही गर्व से स्वागत करता है। आज सबके प्रयास से सबका विकास हो रहा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आकांक्षाओं का परिणाम है। मुझे दोहरी खुशी हुई है कि पूर्वांचल की प्रतिनिधि होने के नाते ये घड़ी पूरी हो रही है। दुनिया भर के भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया के श्रद्धालुओं का श्रद्धा के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। भगवान बुद्ध के सारे स्थल लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ सब इसी क्षेत्र के आसपास हैं। यही कारण है कि श्रद्धा का केंद्र यह बन चुका है। इस एयरपोर्ट बनने से किसान, पशुपालक, दुकानदार, श्रमिक सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड सहित सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। टूरिज्म के क्षेत्र में नया पहलू जुड़ गया है। वैक्सीनेशन की तेज गति भारत की टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। विदेशी टूरिज्म आज भारत में आ सकते हैं। अगले 3-4 सालों में कोशिश होगी कि 200 से भी अधिक हेलीपैड सी प्लेन की सर्विस चालू हो सके। भारत के मध्यम वर्गीय अब ज्यादा से ज्यादा हवाई सेवा का लाभ लेने में लगे हैं। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के बाद अब जेवर एयरपोर्ट भी तेजी से काम उस पर हो रहा है। साथ ही अयोध्या, चित्रकूट, श्रीवास्ती वगैरह में भी एयरपोर्ट का काम तेजी से जारी है। साथ ही अगले कुछ हफ्तों में कुशीनगर को दिल्ली से सीधी उड़ान सेवा से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद, मंत्री, विधायक, उत्तर प्रदेश आला अधिकारियों के साथ मय फोर्स शांति व्यवस्था में जुटा रहा व साथ में लाखों लोगों की संख्या वहां पर उपस्थित रही। देखिए कुशीनगर से श्री कृष्ण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। थाईलैंड, लाओपीडिया, भूटान और दक्षिण कोरिया के भारत में एक्सलेंसी एम्बेसडर्स हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में यहाँ पर कुशीनगर के विकास का उत्सव मना, हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप सबके प्रति, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। और देवी सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से।